मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और मैं फिर से आ चुका हूँ आपका दोस्त और सी आदर जोशुआ। इस बार मैं फिर से एक और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। फिर से हम हमारा डे स्टार्ट करेंगे विद दिस अमेजिंग थॉट दैट विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। इसको हमेशा याद रखिए। सर, मैं एग्जामिनर्स कमेंट लाया हूँ जो नवंबर 2019 के एग्जाम के क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट B के ऊपर है। इसमें पूछा गया, इसमें आपको बोला गया एग्जामिनर ने कि आपका परफॉर्मेंस सर एवरेज था। रीजन वाज कि एग्जामिनीज ने करेक्ट आंसर तो दिया लेकिन वेगली दिया, मतलब उन्होंने सेक्शन 181, 182 और 183 का रेफरेंस नहीं दिया है। दोस्तों, क्या एक्सपेक्टेड था? आपसे पूछा गया था कि अप्रूविंग अथॉरिटी कौन होती है इन ऑल दिस थ्री केसेस। आपको बस इतना बताना था 183(1) के हिसाब से नेशनल डिफेंस फंड के लिए यू कैन यू नो द अमाउंट इज एज यू नो डीम फिट, एंड दैट बोनाफाइड चैरिटेबल फंड के लिए आपको लिखना था 181(1) को आपको रेफर करना था, और आपको लिखना था दैट इफ द अमाउंट एक्सीड्स 5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द थ्री इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइव फाइनेंशियल ईयर्स, देन आपको परमिशन लेनी थी कंपनी के जनरल मीटिंग में, एंड इन केस ऑफ पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन 182 सबसेक्शन 1 आपको बताना था दैट कंपनी में कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने मन के हिसाब से वो दे सकते थे। और इसमें कैच था, आप लोगों ने, सभी लोगों ने यूजुअली तो क्वांटम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन करेक्ट आंसर निकाला है, आप लोगों ने, सभी लोगों ने जो बोलते हैं ना कि मतलब सब सही आंसर्स दिए अमाउंट वाइज, बट क्या मिस्टेक हुई, व्हाट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक एवर, आप लोगों ने मोड ऑफ पेमेंट एक्सप्लेन नहीं किया। सर, तीनों ही सेक्शंस में मोड ऑफ पेमेंट दिए हुए थे 81, 82, 83 में। नेशनल डिफेंस फंड के लिए कोई स्पेसिफिक मोड नहीं दिया हुआ था, बोनाफाइड के लिए भी कोई स्पेसिफिक मोड नहीं दिया था, मगर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कहा गया था कि इट शुड ओनली मेड बाय अकाउंट पे ही चेक ड्रॉन ऑन बैंक और एन अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट, यानी कि आप कैश में पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। आप चाहे तो ECS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम यूज करिए, बैंक अकाउंट यूज करिए, बट द ट्रांजेक्शन हैज टू बी ट्रेसेबल। इतना आंसर एक्सपेक्टेड था आप लोगों से, तो लेट अस नॉट मेक दिस मिस्टेक्स अगेन। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो लेट अस गिव द क्वेश्चन, गिव द सेक्शन नंबर्स एंड गिव द प्रोविजंस व्हाट आर देयर, एंड देन गिव आवर आंसर्स। सो That is it for today in this video. Thank you for joining in. मैं आपका दोस्त और सियादर जोशी, और मिलते रहेंगे ऐसे ही छोटी छोटी मगर मोटी वीडियोस में।